नमस्कार दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटुदी आपके साथ और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो रुक करते हैं आज की अहम खबरों पर। इंदौर में शाहरुख खान पठान को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद की गई नारेबाजी से विशेष धर्म के लोगों द्वारा विरोध करने पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई है। इंदौर में सौहार्द और एकता बिगाड़ने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार सहारा लेते हुए कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल हिंदू संगठनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर असामाजिक तत्वों द्वारा सौहार्द बिगाड़ने को लेकर बात कही गई थी और उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल कई थाना क्षेत्रों में तैनात किया गया और फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। बता दें कि दो दिन पहले पठान फिल्म को लेकर विरोध के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी, जिसके कारण शहर का माहौल बिगड़ गया और फिर कई तरह के वीडियो नारेबाजी करते हुए सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। शहर का सौहार्द और एकता ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा तमाम तरह से सुरक्षा व्यवस्था कायम करते हुए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन द्वारा धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर शहर में एकता कायम रखने का कार्य किया गया। तो वही पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान ये कहा गया कि शहर में तमाम सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई है और चौपे चौपे पर नजर रखी जा रही है। आम जनमानस से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही भड़काऊ भाषण या किसी तरह की भी वीडियो पर विश्वास ना करे और कोई भी इस तरह का प्रयास करता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। पिछले अगर हम दो तीन दिनों की बात करें तो दो अलग अलग विवादित मुख्य तौर पर नारे आए और दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की। आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होकर पुलिस ने न सिर्फ वीडियो के आधार पर सभी लोगों की पहचान सुनिश्चित की, बल्कि उसमें जितने भी आरोपी थे जो प्रमुख रूप से थे, उसमें सभी की तत्काल गिरफ्तारी भी की गई। उस मामले में संबंधित जो राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि थे उनसे बात भी की गई। जो भ्रम की खबरें फैल रही थी उनका खंडन किया गया, उन्हें अपडेट किया गया, उन्हें और लगातार उनके माध्यम से ही जिन्होंने अलग अलग ज्ञापन और लोगों के इकट्ठा होने की अपील की थी उनके माध्यम से उसका खंडन भी जारी कराया गया। जो संवेदनशील इलाके थे उन इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी की गई और पूरी एक संयुक्त जो पूरी कार्रवाई हुई, इसका असर ये रहा कि माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। और अगर हम वर्तमान फिलहाल की बात करें तो इतने बड़े जो आकस्मिक जो एक मामलों को लेकर के संवेदनशीलता बढ़ी थी वो अचानक पूरी तरह से थम चुकी है। मामला पूरी तरह से वर्तमान में एक सौहार्दपूर्ण माहौल है, सामान्य माहौल है और पूरी तरह से अन्य दिनों की तरह ही वर्तमान में हम कह सकते हैं कि स्थिति है। उसको लेकर के हमारी मीडिया सेल जो है काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रही है। उसमें ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है जिनके माध्यम से जो इस प्रदेश के नहीं है, इस शहर के नहीं है, बाहर के जगहों से, उसमें कई जगह आपत्तिजनक अपडेटअप, आपत्तिजनक संदेश, आपत्तिजनक नारे और उनके माध्यम से मामले को गरमाने को और ज़्यादा उसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही थी, संवेदनशीलता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों मामलों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों तरफ से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दोनों तरफ से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोगों को उसमें चिन्हित कर लिया गया है। आगे और भी जो फेस हैं उसमें कार्रवाइयाँ होंगी और सबसे बड़ी बात कि तत्काल कार्रवाई करने से मामले पे जो संवेदनशीलता जो अचानक बढ़ी थी तत्काल उसी दर से ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले में सोशल मीडिया से और ख़ास तौर से आपत्तिजनक और भ्रामक संदेशों के माध्यम से जिन लोगों ने पूरे मामले को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, उस पूरे मामले को लेकर के पुलिस गंभीर है और उसमें आगे और कार्रवाई करेगी। उसमें अलग अलग जो मामले दर्ज हुए हैं सभी मामलों में गिरफ्तारी हुई है और प्रथम दृष्टया जिन लोगों के भी नाम आए हैं जो मुख्य तौर पर आरोपी पाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों का है कि एक अगर कोई शिकायत है तो पुलिस से बात कर सकते हैं। अनावश्यक भीड़ में या फिर भ्रामक खबरों में, भ्रामक संदेशों में ना आए और किसी भी तरह के समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना समाज के विकास के लिए आवश्यक है। और अगर कोई दर्ज हुए हैं सभी मामलों में गिरफ्तारी हुई है और प्रथम दृष्टया जिन लोगों के भी नाम आए हैं जो मुख्य तौर पर आरोपी पाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों का है कि एक अगर कोई शिकायत है तो पुलिस से बात कर सकते हैं।
अनावश्यक भीड़ में या फिर भ्रामक खबरों में, भ्रामक संदेशों में ना आए, और किसी भी तरह के समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना समाज के विकास के लिए आवश्यक है। और अगर कोई समस्या है तो हम भीड़ के रूप में ना करके सिर्फ सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी बात हम कहें, अपनी शिकायत करें, और पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता से, पारदर्शिता से कार्रवाई कर रही है और किसी भी तरह के भ्रामक आपत्तिजनक खबरों से बचे।